वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग एक न्यू हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है स्कैरी मेंशन। वैसे इस गेम का माहौल देख के लगता है ये गेम काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। और तो मैं इस गेम में एक डिलीवरी बॉय हूँ। अभी पीछे कौन हो गया? कौआ। अरे ये क्या, मेरे को कोई पकड़ के अंदर लेके चला गया। भाई ये क्या था, पीछे से उस कौवे ने मेरे को डिस्ट्रैक्ट किया और अंदर से कोई तो मेरे को पकड़ के ले गया। फिलहाल अभी मैं इस घर के अंदर फंस चुका हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। निकलना है तो बोल दिया, पर मुझे नहीं लगता मैं इस घर से इतनी आसानी से निकल पाऊंगा। स्टार्टिंग में गेम के इंट्रो में जो दिखाया ना, सच में ये गेम काफी ज्यादा डेंजरस है। अभी मैं इस घर के अंदर फंस चुका हूँ। डोर किधर है? ये रहा। हाँ मुझे पता होना चाहिए था ये डोर लॉक है। अभी ये कौन है, कौन बोल रहा है, कहाँ से? ये देखो इस सामने वेंट के अंदर से कोई तो बात कर रहा है। क्या ओपन होगा? नहीं। हाँ मुझे चाबी तो चाहिए, पर ये डोर भी लॉक है भाई, चाबी कहाँ से मिलेगा? भाई ये बहुत ज्यादा पकड़ रहा है भाई, चाबी किधर है? साफ साफ बता क्यों नहीं देता? ओ भाई अभी ये डोर अनलॉक हो रहा है लेकिन इसके अंदर कॉइन है। इधर देखते हैं, इधर और एक ड्रायर है, ये भी खाली है। वैसे पीछे और दो ड्रायर था लेकिन ये लॉक्ड है भाई, ये कैसे ने? ओ शायद ये पर कोई आ रहा है। भागो भागो, छुपने का जगह किधर है? ये रहा भाई। अच्छा हुआ ये पर एक कबाट था, इसके अंदर मैं छुप गया। देखो कोई तो आ रहा है यार। ये देखो ये जो आदमी है इसका नाम बताना मैं भूल गया, इसका नाम है डॉक्टर क्रो। अरे ये क्या, ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है भाई, बेड के नीचे ऐसे डाउन होके देख रहा था। अभी इधर कोई नहीं है, जा जा भाई, इधर वो देख रहा था। सच में इसे देख के लग रहा है ये बहुत ज़्यादा खड़ूस है, अगर इसने मेरे को पकड़ लिया ना तो मेरा हड्डी पसली एक कर देगा। ये बाहर गया क्या? आ गया। यार ये पागल की तरह पकड़ा है भाई, कोई तो क्लू दे दो यार, चाबी कहाँ पर है? ये डोर भी अनलॉक नहीं हो रहा है, इसके अंदर ही चाबी है मेरे को लग रहा है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ना ये रूम ही इसका घर है भाई, अगर मैं ऐसे निकल गया तो गेम स्केप हो जाएगा। ये वाला डोर तो मैंने पहले भी देखा था। अच्छा रुको, यूज द हिंट, रुको अभी पता चलेगा चाबी किधर है। ये रहा देखो, अभी जाके ये डोर अनलॉक हो रहा है, मेरे को पहले ही पता था इसके अंदर ही चाबी है। नीचे वाला डोर खाली है बट मेरे को चाबी मिल गया, और क्या चाहिए। अभी ऐसे निकलते हैं लेकिन उससे पहले भाई मेरे को डर लग रहा है भाई, बाहर कुछ भी हो सकता है। ओ बे पागल बुड्ढा सनकी, ये तो बाहर ही खड़ा था, मेरे लिए वेट कर रहा था क्या? मुझे लगता है इसको पहले ही पता चल गया था मैं घर के अंदर हूँ। जब ये घर के अंदर आया था ना चेक करने, इसको डाउट हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। चलो कोई नहीं है, ये सनकी बुड्ढा अभी इधर नहीं है भाई। ये घर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये कौन सा रूम है? बाथरूम है। इधर एक डॉयर, इसके अंदर कॉइन है, इसके अंदर भाई सारे डॉयर के अंदर इसने कॉइन रखा है क्या? अभी जो भी है मुझे अभी डॉक्टर क्रू से बचना है और मेन गेट का चाबी ढूंढना है, और मेन गेट किधर है वो भी देखना है। और ये पीछे वाला डोर भी लॉक है, इसका भी चाबी चाहिए। पर सामने दो चार डॉयर है, इसके अंदर देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। ये खाली है, ये भी खाली है भाई, कुछ भी नहीं है भाई। इस बार तो चिल्लर भी नहीं मिला, पिछली बार तो चिल्लर मिल रहा था। ये वाला डोर अनलॉक है, ये कहाँ आ गया मैं? इसने तो घर के पीछे से भी लॉक करके रखा है, पर ये वाला डोर भी अनलॉक है। इधर कुछ भी नहीं है, सामने चलते हैं। ये इधर एक डोर है, क्या अनलॉक है? इसे भी लॉक करके रखा है। और ये पर देखो सीढ़ी भी है, मैं दूसरे फ्लोर पर जा सकता हूँ, लेकिन कोई तो आ रहा है। डॉक्टर क्रो के अलावा और कौन आ सकता है भाई? ऊपर से नीचे आ रहा है, निकल लो ऐसे, भागो भाई। वैसे पहले तो मुझे सारे रास्ते अच्छे से याद करना होगा, भागने में आसानी होगा। पर मुझे चाबी चाहिए, और मेरे को लगता है ना ये मेन गेट का चाबी ऊपर से मिलने वाला है, क्योंकि मेन गेट का चाबी कोई नीचे नहीं रखता। कहाँ गया ये? अबे पागल, ये नीचे आ रहा था भाई, मेरे को देख लिया, पीछे कर रहा है क्या? मेरे ख्याल से उसने नहीं देखा था। कहाँ गया वो भाई? ये तो रहा। अबे इसने अभी देख लिया भाई, पिछली बार नहीं देखा था, क्या हुआ? इस बार देख लिया, पक्का देख लिया इस बार। रुको पहले आने दो उसे, ऐसे घुमा के भागेंगे, शायद ये ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता, बहुत ही स्लोली चलता है, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी बात है भाई, देख लिया इसने। चलो ऊपर चलते हैं, अभी इसको पता भी नहीं चलेगा मैं किधर गया। इधर एक डॉयर है, बाद में देखेंगे। इधर क्या है भाई? इधर और भी दो तीन रूम है, ये तो लॉक्ड है। इधर तो भाई टूटा है ये वाला रूम, भाई ये कहाँ आ गया मैं? भाई ये तो पूरा टूटा फूटा है, नीचे गैराज है। रुको क्या ये मेन गेट है? मुझे लगता है यही तो मेन गेट है, इसने ही मैंने को यहाँ से पकड़ लिया था। मेन गेट तो मिल गया, पर अभी तक भाई रुको, क्या ये पागल बुड्ढा मेरा पीछा करते करते ऊपर आ गया भाई? कहाँ गया? ये बहुत ही स्लोली चलता है पर काफी ज्यादा डेंजरस है। और तो ये सस्पेंस वाला म्यूजिक बंद करो भाई, इससे और भी ज्यादा डर लगता है भाई। अच्छा हुआ बंद हो गया। मेन गेट के सामने आ चुका हूँ मैं, इधर दो तीन डोर है पर खाली है। मेन गेट का चाबी किधर है? इधर और भी बहुत सारे रूम है। नहीं इधर तो मैं पहले भी आया था, इधर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर को ऊपर चल रहा है ना, देखो भाई टीप टप करके साउंड आ रहा है अभी तक। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है, इसने चाबी रखा है तो किधर रखा है? देखो भाई घूम फिर के मैं अपने घर में आ गया, इतने सारे रूम लॉक्ड है पर एक भी चाबी नहीं मिला मुझे। इधर वेंट भी लॉक है अदर साइड से, भाई दूसरे साइड से इसे ओपन करना होगा, पर दूसरा साइड शायद इधर से जाना होगा। इधर डोर था भाई, इसको देखा ही नहीं मैंने। स्मॉल की, ये कहाँ का है? इस डोर का? ये तो हो गया, ये वाला डोर अनलॉक हो गया।
ये क्या सीन है, मैं घर के अंदर एंटर करके ही छुप गया, बाहर निकलो भाई, कोई भी नहीं है। ये शायद उसका डाइनिंग रूम है, फ्रिज है, फ्रिज के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो कबाड़ है, इधर छुपने की जगह है। इधर बहुत सारे ड्रॉयर है, इधर नीचे और 4 ड्रॉयर है, पर कॉइन है, कुछ भी नहीं है। इसमें भी कॉइन है, नीचे खाली है। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरे आसपास ही है, और डरने की कोई बात भी नहीं है, इधर छुपने की जगह है। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, और पीछे अभी भी बहुत सारे ड्रॉयर है, 4-5 ड्रॉयर है। इसके अंदर देखते हैं, कॉइन है, और नीचे वाला खाली, इसमें भी कॉइन, ये भी खाली। मेरे को बस मेन गेट का चाबी चाहिए, मेन गेट का चाबी मिलने से गेम एस्केप हो जाएगा शायद, मेरे को ऐसा लगता है। पर सामने एक और रूम है जो अभी तक मैंने नहीं देखा, क्या है इसके अंदर। ये देखो, मुझे वेंट का दूसरा रास्ता भी मिल गया। उससे पहले डोर को बंद कर देता हूँ, ये पीछे का साइड है, अभी सामने से मैं इसे जाके अनलॉक कर देता हूँ। इस कमरे में और कुछ भी नहीं है। इधर देखो, राइट में भी कुछ है, पर उससे पहले मैं देखता हूँ ये वेंट क्या मेरे रूम में ही जाता है। हाँ, ये तो मेरा ही रूम है। चलो इसे मैं अनलॉक कर दिया, एक शॉर्टकट रास्ता भी हो गया। अभी सामने जाके देखते हैं ये कौन सा रास्ता है, ये रास्ता किधर जाता है। शायद से मैं अभी किसी सीक्रेट रूम पे जा रहा हूँ, पर पता नहीं ये रूम कहाँ पर है, दूसरे फ्लोर पे। और पिछली बार जब मैं दूसरे फ्लोर पे गया था, तब उधर सारे के सारे रूम लॉक था। अभी मैं एक बाथरूम में आ चुका हूँ, और तो ऐसा भी हो सकता है ये कोई सीक्रेट रूम है जो कि दूसरे फ्लोर पर नहीं है। अभी मैं कौन से रूम में आ गया मुझे भी नहीं पता, शायद हो सकता है ये डॉक्टर क्रो का बेडरूम है। अगर ऐसा है तो इधर मेन गेट का चाबी मिलना चाहिए। इधर बहुत सारे ड्रॉयर है, चेक करते हैं। इसमें कॉइन चिल्लर बटोर रहा है, इसमें खाली भाई, लेकिन इधर और भी ड्रॉयर है क्या, इसके अंदर चिल्लर, इसके अंदर भी चिल्लर, इधर और 2 ड्रॉयर है भाई, कॉइन रखा है 5.5 ड्रॉयर के अंदर। इधर और 3 ड्रॉयर है यार, कोई तो चाबी दे दो यार, तीनों ड्रॉयर खाली है भाई। मेन रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके बेडरूम में कुछ भी नहीं है क्या भाई, तो लॉक करके क्यों रखा था। नहीं, ये वाला ड्रॉयर तो पहले भी चेक किया था। इधर क्या है भाई, इस टेबल के अंदर भी चिल्लर है, और नीचे एक चम्मच गिरा हुआ है, और ड्रॉयर है क्या, रुको, इधर और 3 ड्रॉयर है, शायद इसके अंदर से कुछ मिल जाए। वाओ भाई, इधर देखो, बहुत सारे चाबी मिल गया एक साथ। इधर तो छुपने की जगह है, पर अभी छुपने की जरूरत नहीं है। अभी इस चाबी को लेके चलते हैं बाहर, और देखते हैं ये कौन सा रूम था। ये वाला रूम भी लॉक था, वो भी अंदर से, इसे हटा देते हैं। अब ये रूम हो गया है अनलॉक, अभी देखते हैं ये कौन सा फ्लोर है। गाइस, मुझे लगता है ये ऊपर वाला ही रूम है। हाँ, इधर कोई सीक्रेट रूम नहीं है, पर ये चाबी से ना मैं ट्राई करता हूँ। इधर बहुत सारे रूम लॉक था, क्या इससे अनलॉक होगा। इधर 2 रूम था, अभी इसका चाबी नहीं है। इधर ये वाला रूम, शायद इसके लिए कोई कोड चाहिए, और तब जाके ये वाला रूम अनलॉक होगा। मैं ना एक बारी एक काम करता हूँ, नीचे जाके मेन गेट पर एक बार ट्राई करता हूँ, क्या इससे अनलॉक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर क्रो किधर है, पहले तो देखना पड़ेगा भाई, धप्पा ना देते मेरे को। एकदम से ये मुँह के सामने आ जाता है, और उसके पास एक लाठी है ना भाई, उससे भाई गर्दन पकड़ लेता है। इधर एक ड्रॉयर है, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, लॉक बहुत ज़्यादा ऊपर है, मेरा हाथ नहीं जा रहा है। एक काम करता हूँ, ऊपर से मुझे जंप करके टेबल के ऊपर आना होगा। अबे नहीं, ये मेरे राइट पे था, क्या तुमने नोटिस किया। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट करता तो ये मेरे को पकड़ लेता। उस टेबल के ऊपर जाना होगा, तब मैं जाके इस लॉक को अनलॉक कर पाऊंगा। क्या ये अनलॉक हो जाएगा भाई, ये तो खुल गया भाई, मेन गेट खुल गया भाई, बाहर जा सकते हो क्या। हाँ, गेट तो ओपन हो गया। अभी ये क्या हो रहा है, अरे नहीं, वो पार्सल गेट के सामने गिरा है, इसलिए गेट जाम हो गया। अभी पीछे से आ गया, भागो, अभी जोर से धक्का दे यार, भाग। क्या ये मेरा फिर से पीछा कर रहा है, अरे नहीं, इसने मेरे को गर्दन पकड़ लिया, मेरे को पकड़ लिया दोबारा से, क्या हो रहा है इसके साथ। इसको कोई तो पकड़ के घर के अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या था भाई, और ये बात मेरे को अभी पता चला है, ये घर के बाहर नहीं आ सकता ना, इसलिए उस टाइम पर मेरे को घर के अंदर से ही पकड़ के ले गया। वैसे ये वाला गेम तो मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तुम्हें कैसे लगा कमेंट करके बताना। और सच बताओ तो इस गेम का इंट्रो और एंडिंग काफी ज्यादा बढ़िया था। और एक बात, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।